वेलकम टू एजुकेशन इन हैंड्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 6 जो कि रूरल डेवलपमेंट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, आईटी के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट अपना करो कि एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुँचे। तो जो भी हमारा पहले जो एग्रीकल्चर मेथड्स थे उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने का काम होता था। तो उस फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले थे। हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम हो रहा था, जो वाटर है वो पल्यूट हो रहा था, जो लाइफ स्टॉक है उसके हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा था, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी खराब हो रहा था। इन शॉर्ट पूरे एनवायरमेंट पे थोड़ा थोड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए एफर्ट लाया गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी को लाया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाए, मतलब इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को लाया जाए, जिसका हम लोग नाम दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिंपल एक ऐसा सिस्टम है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को वापस जो है बनाने में हेल्प करता है। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो डिमांड है वो पूरे ऑल ऑफ द वर्ल्ड हो रहा है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड की बात की जाए तो धीरे धीरे वर्ल्ड में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत सारे कंट्रीज में 10% जो है उनके फूड सिस्टम में ऑर्गेनिक फूड आता है। अब आप सोचेंगे इतनी इंपॉर्टेंस है तो सिर्फ 10% क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक फूड का प्राइस है थोड़ा ज़्यादा होता है देन कन्वेंशनल वन, अराउंड 10 to 100% ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि प्राइस हाई होने की वजह से ओनली 10% को ये फूड सिस्टम में रिजर्व रखा गया है। बहुत सारे रिटेल चेन्स और सुपर मार्केट्स में जो है ग्रीन स्टेटस मिल गया कि वो लोग जो है ऑर्गेनिक फूड को बेच सकते हैं। अगर ग्रीन स्टेटस नहीं है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है हार्मफुल हो आपके लिए। अब बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, आप ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज़ करते हैं जो कि लोकली प्रोड्यूस्ड होते हैं। मतलब आप यहाँ पे फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत चीपर है। तो इससे क्या हो जाए, एग्रीकल्चर इनपुट्स है जो कि बहुत कॉस्टली होता है, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब बहुत कॉस्टली होता है, और ये जो लोकली प्रोड्यूस हैं बहुत चीपर होते हैं। तो उसकी वजह से सस्ते में सब काम हो जा रहा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, मतलब थोड़ा सा आप लगा रहे हो और आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है। अब क्योंकि रिटर्न अच्छा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड की डिमांड जो है धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड वाइड डिमांड बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी। अब इसकी डिमांड क्यों बढ़ी, इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी, एक तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऊपर से इन्वायरमेंट को भी हार्म नहीं करता है। अब न्यूट्रिशन ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग हेल्दी फूड पर हेल्थ कॉन्शियस हो ही रहे हैं। तो न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ रही, इसकी डिमांड बढ़ रही तो इनकम भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। अब इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे लेबर इंटेंसिव को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है। लेबर इंटेंसिव इसलिए क्योंकि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है नहीं, आपको लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स का यूज़ करना पड़ता है, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा लेबर लगता है, ठीक है। अब ज़्यादा लेबर लगता है तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा लेबर लग रहा है, जो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा होता है वो बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और क्योंकि ये पेस्टिसाइड फ्री है तो इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि पेस्टिसाइड फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री होने की वजह से सस्ता है, तो आराम से आप इनकम इससे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। डिमांड इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स नहीं है क्योंकि लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। अगर हम लोग इसके शॉर्ट कमिंग्स के बारे में बात करें तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें आपको ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए और विलिंगनेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा तो होगा नहीं ना कि आप पहले जो आराम से टेक्नोलॉजी कर रहे थे उसको आप छोड़ छाड़ के नई पे आ जाओगे, ऐसा तो होता नहीं, चेंज बहुत मुश्किल होता है। तो फार्मर्स को अवेयर करवाना कि ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है, आपको ज़्यादा इनकम मिल सकती है इससे, ये अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है, और टेक्नोलॉजी को भी अडेप्ट करवाना और ज़रूरी है। आपने बहुत मेहनत करके नई टेक्नोलॉजीज लाए, HYV सीड्स लाए, फर्टिलाइजर लाए, पेस्टिसाइड्स लाए, तो अब आपको फिर से वही काम करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए।
इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में भी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करने के लिए भी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होना ज़रूरी है, और मार्केटिंग का भी, ठीक है, लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपके लिए अच्छा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को आपको ज़्यादा लेना चाहिए। इसका डीमेरिट ये हो जाता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का यील्ड है, ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था इनिशियल ईयर्स में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फार्मर्स को आप इतनी मुश्किल से नई टेक्नोलॉजीज, नई पेस्टिसाइड सबसे जो आप रूबरू कराए थे, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग क्यों इस पर अडॉप्ट करना चाहेंगे जब उनको हाई ईयर मिल ही रहा है। तो इसकी वजह से शुरू के टाइम में जो इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर क्योंकि पेस्टिसाइड्स है नहीं, फर्टिलाइजर्स है नहीं, तो इसको जो है हमेशा जो है आपको बचा के रखना पड़ता है फ्रॉम इंसेक्ट स्टूडेंट्स, तो इनका जो है शॉर्टर शेल्फ लाइफ रहता है। और इसके अलावा जो चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफ सीजन क्रॉप्स है ये बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड क्रॉप्स पे ही ये ज़्यादा फोकस होता है, तो इसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी ज़्यादा लोग आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम यील्ड होता था पहले, अब थोड़ा बहुत ठीक भी हो गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन इनिशियल ईयर्स में बहुत कम था। इसकी शॉर्टर शेल्फ लाइफ है, इस पर हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का काम होता है कि इंसेक्ट से बचाता है, अब जब वही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको क्रॉप्स पर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा और इस क्रॉप्स की लाइफ भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो ऑफ सीजन क्रॉप्स है उसका भी बहुत कम स्कोप है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो इन सब की वजह से जो है लोग जो है ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना नहीं चाहते, खास करके स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो इसलिए पॉपुलराइजिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के इसके कुछ डीमेरिट्स तो हुए कि थोड़ा लोअर यील्ड है, थोड़ा शॉर्टर शेल्फ लाइफ है और ऑफ सीजन क्रॉप्स बहुत कम है, लेकिन क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे आने वाले के टाइम में और वर्ल्ड वाइड भी इसका डिमांड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग पे और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हम लोग जैसे जैसे और ज़्यादा फोकस करेंगे वैसे वैसे जो इनिशियल ईयर्स में जो यील्ड्स कम था वो आने वाले साल में यील्ड्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कॉटन इन महाराष्ट्र एक केस है जिसको हम लोग देखते हैं। तो 1995 में सबसे पहला इस मतलब कॉटन को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करने की बात की गई थी, तो इसको किया था किसान मेहता ने, एक प्रकृति एनजीओ थे उसके अंदर वो काम करते थे किसान मेहता, उन्होंने बताया बोला कि क्यों ना हम कॉटन को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो उस टाइम जो उसके डायरेक्टर थे, प्रकृति के डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन आज के टाइम में जो है एज मैनी एज 130 फार्मर्स 1200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में कॉटन को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं। और इस ऑर्गेनिक कॉटन का टेस्टिंग हुआ था बाय एक जर्मन एजेंसी और उन्होंने इस कॉटन को बिल्कुल हाई क्वालिटी कॉटन मांगा था। उस जर्मन एजेंसी का नाम था एग्रेको और उन्होंने बताया इसको टेस्ट करने के बाद कि क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। जो किसान मेहता है वो समझते हैं कि जो 78% इंडियन फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके पास 0.8 हेक्टेयर लैंड से भी कम है और उस 0.8 हेक्टेयर में भी ओनली 20% है जो कि कल्टीवेबल है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो क्योंकि इनके पास ऑलरेडी कम लैंड है उसमें से भी सिर्फ 20% कल्टीवेबल है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो है सॉइल कंजर्वेशन के लिए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो जाएं, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और लॉन्ग रन में भी काम आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में जो सच में काम कर रहा है वो ज़्यादा अच्छा इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आईटी वाले लोग अगर इन सब का इनपुट्स लेंगे तो ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सो इस चैप्टर में इतना ही, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।